स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। आज जा रहे हैं हम शिवनाथ हुंडई टाटी वन रायपुर में अपनी गाड़ी की पीडीआई करने। ये देख सकते हैं वेन्यू पेट्रोल मॉडल एस मॉडल गाड़ी है ये। आज हम इसका पीडीआई करने आए हुए हैं। एक दो दिन में अपने को ये गाड़ी ले जानी है अपने घर। देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल इसका गंदी पड़ी है थोड़ी, स्टॉक यार्ड से आई है सीधी। ये 15 जुलाई की पीडीआई हुई हुई है कंपनी से। इसका टायर साइज देख सकते हैं, स्पेयर टायर सेम साइज का आता है 15 इंच में। पार्सल ट्रे के लिए जगह दी हुई है, पर इसमें पहले से पार्सल ट्रे नहीं आती, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। पीछे में आता है 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट 60-40 स्प्लिट सीट है। इसका बूट देख सकते हैं, बूट बंद करने का थोड़ा अजीब सा जगह है, उल्टा हाथ से पकड़ना पड़ता है। देख सकते हैं बाकी सब तो सही है इस गाड़ी पे। पीछे का स्पेस दे सकते हैं, सीटें आप चेक कर सकते हैं कहीं से फटी हुई सिलाई निकली हुई तो नहीं है। मैंने सारा चेक कर लिया था, आप भी चेक कर सकते हैं पूरा सब। ये बटन सारे वर्क कर रहे हैं, सब मैंने चेक कर लिया है। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स चेक कर लिए हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी चेक कर लिया है मैंने, स्पीकर सारे चेक कर लिए, हेडलाइट्स इंडिकेटर्स सारे बल्ब्स चेक हो चुके हैं, एसी के कंट्रोल्स चेक कर लिए, चार्जर सभी मैंने चेक करके रखा हुआ है। देख सकते हैं हम आईडी 8 किलोमीटर चली हुई है। इसका एनिमेशन देख सकते हैं फर्स्ट स्टार्ट का, लो फ्यूल इंडिकेशन, यहाँ FM मैंने चालू करके देख लिया था, वाइपर्स चालू करके देख लिए, सब सही से वर्क कर रहा है। ये सभी इलेक्ट्रिक चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए गाड़ी लेने से पहले। देख सकते हैं FM मैं चला के चेक कर रहा हूँ, पर आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने उसको हाइड कर रखा है। फीचर्स सारे हैं, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस वर्क करता है, मैंने अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है इसलिए नहीं दिखा रहा है आपको। सारे फीचर आप यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के। वाईफाई देख सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली। मैंने एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके चेक कर लिया है पहले से ही, फिर से डिसकनेक्ट कर दिया क्योंकि ये गाड़ी अभी शोरूम में रहनी है और कई लोग आके देखते रहते हैं तो कनेक्ट रहेगा तो फिर दिक्कत होती है, इसके लिए मैंने पहले ही चेक करके हटा दिया है। अच्छे से वर्क कर रहा है। ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, कूल ग्लव बॉक्स नहीं आते, लेकिन आपको अगर अपग्रेड करना है तो आप कर सकते हैं। 2-3 पार्ट्स लगते हैं फिर से स्टार्ट हो जाता है। चार्जर देख सकते हैं, टाइप सी आउटपुट है, USB का सॉकेट है और 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। इंजन देख सकते हैं, 1200 cc का पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत सी छोटी गाड़ियों में आती है, क्रेटा में तो इससे बड़ी इंजन आती है 1500 cc की। गियर बॉक्स का नंबर देख ले रहा हूँ मैं, आप भी देख सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत ना हो, सेम गाड़ी मिलनी चाहिए करके। और भी नंबर्स होते हैं, चीचिस नंबर, वो सब मैं देख के जाऊँगा। डोर हैंडल देख सकते हैं, बॉडी कलर, सारे स्विचेस मैंने चेक कर लिए हैं, सब वर्क कर रहे हैं। इधर से भी हैंडल भी एकदम ईजिली खुल रहा है। देख सकते हैं पीछे का लुक, पीछे के सारी लाइट्स चेक कर ली मैंने, डिफॉगर चेक कर लिया, एंटीना तो वर्क कर ही रहा है, FM चला के देख लिया मैंने। देख सकते हैं ये ड्राइविंग सीट के पास टायर साइज और उसमें कितना एयर है वो लिखा हुआ है। सारे हिंजेस चेक कर लिए मैंने, सीट आगे पीछे हो रही है कि नहीं, सब चीज़ चेक कर लिया मैंने इसका। देख सकते हैं कई गाड़ियाँ रिपेंटेड होती हैं इसलिए यहाँ से भी मैं चेक कर ले रहा हूँ, कई जगह पे रिपेंटेड हो जाती है ना,
पर ह्यूंडई से ये शिकायत सुनने को नहीं मिली है, बहुत सी कंपनियों से सुनने को मिल चुकी हैं। यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, देख चुके होंगे कई लोग। मैंने सारा पेंट वेंट चेक कर लिया मैच करके, कहीं से भी रिपेंटेड या स्क्रैचेस किसी जगह नहीं है। बूट देख सकते हैं कितनी बड़ी लग रही है, अच्छी खासी स्टोरेज एरिया है इस पे। पर इसका डिक्की क्लोज करने का जो हैंडल है वो बिल्कुल भी सही पोजीशन पे नहीं है, उल्टा हाथ से पकड़ना पड़ता है। डोर्स के रबर्स देख सकते हैं परफेक्टली फिट हैं। टायर देख सकते हैं 195/65 R15 के टायर हैं, गुडियर कंपनी के टायर मिले हैं हमें। देख सकते हैं साइड से रबर्स देख सकते हैं बिल्कुल सही है। गाड़ी स्टार्ट करके देख रहे हैं हम, देख सकते हैं इसका RPM अप डाउन जा रहा है। अब इसका साइलेंसर का साउंड देख सकते हैं, अजीब सा आ रहा है थोड़ा, न्यू गाड़ी इसके लिए है शायद, थोड़ा सिंपल साउंड नहीं कर रहा है। पेट्रोल का इनलेट देख सकते हैं कितना, इसका जो कैप है वो बहुत ही पतला दे रखा है, एकदम लो बिल्ड क्वालिटी लग रही है। बाकी ख़राब तो कोई चीज़ नहीं है, सब चेक कर रहे हैं हम बारी बारी से। Hyundai Venue, सोनाथ Hyundai से ले रहे हैं हम गाड़ी, और इसमें लगवाए हैं हम कैमरा कंपनी से, शोरूम से ही देख सकते हैं। क्लैरिटी तो सही आ रही है, पर इसको खोलने के लिए देख सकते हैं कैसे खोले हैं इसको, पूरा डेंट डेंट लगा हुआ है। ये रहा डेंट, ये रहा ये 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 रहा, पूरे डेंट ही डेंट है पूरी गाड़ी में। शोरूम से ट्रस्टेड काम कराने के चक्कर में लग गए हमारे। क्लैरिटी बिल्कुल सही है रहने के लिए, ब्लॉक पॉइंट का लगा है कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले देख सकते हैं। मेरी बैटरी का परसेंटेज, नेटवर्क दिखा रहा है, ये कीपैड कॉल कर सकते हैं यहीं से। मैप्स नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहा हूँ, टू यूज मैप्स इन कार प्ले अलाउ मैप्स टू यूज ओनली यूज योर लोकेशन ऑन योर आईफोन। ये रही अपनी गाड़ी, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, और देख सकते इसमें हमने इंस्टॉल कराया है डोर वाइज़र जो क्रोम के साथ है, और हमने लगाया इस पर कैमरा जो कि लगा है पीछे बम्पर पे होल होके, और इन्होंने सेंटर पे नहीं लगाया है। देख सकते हैं देखने से ही साइड में लग रहा है, जबकि दोनों स्क्रू के सेंटर में होना था, थोड़ा सा जहाँ लगा है उससे थोड़ा सा राइट, अभी जहाँ पर मैं उंगली रखा हूँ वहीं होना था, थोड़ा सा और राइट होना था यहाँ पर। अब चलिए बूट खोल के देख लेते हैं इसका, सब सही है। ये अपना क्या रिफ्लेक्टर होता है, जैसे रोड में कभी रुकना पड़ गया रात में तो लगा सकते हैं। स्टेपनी जैक सब है अंदर। इसका डोर क्लोज करने का सही जगह पे नहीं है, उल्टी लगी हुई है, खींचने में थोड़ा परेशानी होती है। साइड लुक देख सकते हैं पूरा क्लीन है, डिलीवरी के लिए रेडी है। देख सकते हैं कितना चला हुआ है, नहीं दिख पा रहा है, बाद में दिखा देते हैं। इसके मिरर्स इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले हैं, देख लेते हैं चेक करके। देख सकते हैं आप ऊपर नीचे आजू बाजू हो रही है। अब लेफ्ट वाला देख लेते हैं, लेफ्ट वाली भी हो रही है। इनको सबको चेक करना ज़रूरी है डिलीवरी से पहले, इसलिए हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्टेयरिंग कंट्रोल, यहाँ से पूरा कंट्रोल हो जाता है, और ये है अपना ओडोमीटर, और ये है राइट साइड वाली अपने ओडोमीटर के कंट्रोल। इसमें माइलेज देख सकते हैं, ट्रिप मीटर रिसेट कर सकते हैं, बहुत से सेटिंग्स दिए होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा।
ये है अपने हेडलैम्प का कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं इस पर, ऑटो पे कर देने से जैसे ही अंधेरा होता है लाइट खुद से स्टार्ट हो जाता है। और इधर लेफ्ट वाले अपने वाइपर के कंट्रोल, सिर्फ फ्रंट वाइपर आता है और पीछे डिफॉगर आता है, उसका कंट्रोल है। अपनी गाड़ी पे यहाँ छोटा सा डेंट है, देख सकते हैं अगर आपको दिखे कैमरा में नज़र आएगा तो, ये ठीक करा दिया गया तुरंत। इसके लिए शोरूम को 10 में से 10 नंबर है। हमें गाड़ी इंस्टेंट में चाहिए थी और इंस्टेंट में मिल गई। कितनी अच्छी लग रही है नई गाड़ी अपनी, देख सकते हैं। अपनी क्रेटा तो पूरी धुंधली हो चुकी है कलर से, ये प्योर वाइट लग रही है। टायर मिला है अपने को गुडियर का, साइज देख सकते हैं 195/65 R1615 का टायर है। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसके चार्जर का पॉइंट। देख सकते हैं टाइप सी चार्जर है, टाइप सी आउटपुट के साथ आता है। तो मैंने अपना केबल लगा दिया है और अपने फ़ोन पे लगा के देखता हूँ चार्ज हो रहा है कि नहीं, आपको बताता हूँ। ये हो गया अपना कनेक्ट, हो रहा है चार्ज अपना फ़ोन, चार्जिंग प्रॉपर हो रही है। चार्जिंग चेक कर ली मैंने, एप्पल कारप्ले कनेक्ट हुआ था पर अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या क्वाइट मोड है। कनेक्ट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं, कनेक्ट करते हैं पहले। ये देख सकते हैं आप एप्पल कारप्ले एक्टिवेट हो चुका है। मैप देखते हैं, मैप में क्या हुआ, टू यूज़ मैप इन कारप्ले अलाउ मैप टू यूज़ योर लोकेशन ऑन योर आईफोन, ठीक है। यूट्यूब म्यूजिक, व्हाट्सएप, VLC, रेसो, गूगल मैप्स, ये सारे अगर हम गूगल मैप्स देखते हैं, ये देख सकते हैं आगे अपना लोकेशन। ये यूज़ कर सकते हैं, ये चार्जिंग हो रही है देख सकते हैं इसी से। ये ऐप्स देख लेते हैं, और हुंडई का ऐप क्या आता है इस पे, होम पे आ गया, एप्पल कार प्ले जाते हैं, म्यूजिक, मैप, ऑडियो बुक्स, रसो, कैलेंडर, 10 अगस्त है आज, व्हाट्सएप। पावर विंडो के बटन सारे काम कर रहे हैं, चाइल्ड पीछे का चाइल्ड लॉक भी काम कर रहा है, लॉक अनलॉक काम कर रहा है, मिरर का कंट्रोल काम कर रहा है, ये देख सकते हैं लॉक अनलॉक, विंडो खोलने का सब सही है बिल्कुल। मिरर फीचर्स देख सकते हैं, क्लस्टर, ये लाइट्स के, इल्यूमिनेशन, वर्ल्ड टच इंडिकेटर, हेडलाइट, टाइम आउट, डीले, नॉन डीले, बैक डोर, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, ऑटो लॉक होता है ऑन स्पीड, इनेबल ऑन स्पीड में, ऑटो अनलॉक की आउट से होता है, इसको आप बदल सकते हैं। कन्वीनियंस में सर्विस इंटरवल, यूनिट का टेम्परेचर, यूनिट फ्यूल इकोनॉमी, यूनिट किलोमीटर पर लीटर, टायर प्रेशर PSI में है, इसमें टायर प्रेशर प्रॉपर बताता है, क्रेटा के जैसे नहीं, लो बस दिखाता है क्रेटा, लो हाई। लाइट्स में इल्यूमिनेशन दिखाई दिए, क्लस्टर, ड्राइव असिस्टेंट में वार्निंग वॉल्यूम, यह है रिवर्स पार्किंग सेंसर का साउंड, इस तरह ही फीचर है, ये रिसेट करने का
बस यहाँ से बैक करता हूँ। इसमें अपने को किलोमीटर पर लीटर देख सकते हैं, माइलेज इसमें दिखाया, पुराने वेन्यू में अंदर से दिखाता था। हमारा नंबर प्लेट आ गया लग रहा है, देख सकते हैं हाथ में नंबर प्लेट। गाड़ी नंबर तो ये रही, अपनी नंबर प्लेट आ चुकी है, एक डेढ़ घंटे में ही आ गई। सही है, रायपुर RTO का सर्विस, तुरंत मिल जा रहा है नंबर प्लेट। नंबर प्लेट के बिना डिलीवरी भी नहीं देते शोरूम वाले। छोटू स्नैक्स खाते हुए, शोरूम में आखिरी कस्टमर हम बचे हैं। 5 दिन बाद 15 अगस्त है, इसकी तैयारी में डेकोरेशन। और ये अपनी गाड़ी, और ये एन लाइन। हमारे डिलीवरी अब ले लेते हैं हम डिलीवरी, सारे पेपर वर्क तो पूरे हो चुके हैं, नंबर प्लेट का वेट कर रहे थे, अब डिलीवरी ले लेंगे, फिर नंबर प्लेट लगा देंगे, फिर हम चले जाएंगे लेके गाड़ी अपने घर। चलिए कर लेते हैं पूजा, फिर निकालते हैं अपनी गाड़ी शोरूम से बाहर और चलते हैं एसेसरीज लगवाने, फिर चलेंगे अपन घर, क्योंकि यहाँ से अपना घर है 120-130 किलोमीटर। अगर लेट हो जाता है तो हमको रुकना पड़ेगा आज यहीं। शोरूम की तो कोई गलती नहीं है हमारे लेट होने पे, क्योंकि हमारा बैंक का काम पूरा नहीं हुआ था, इसी चक्कर में हम हो गए हैं लेट, इसीलिए हुआ है रजिस्ट्रेशन लेट, उसके बाद आया है नंबर प्लेट भी लेट, और हम ले रहे हैं डिलीवरी भी लेट। तो चलिए जल्दी से हम करते हैं पूजा का कार्यक्रम ख़त्म जल्दी से, फिर निकल पड़ेंगे एसेसरीज मार्केट की ओर, देखते हैं कौन से शॉप जाएंगे। बहुत सारे शॉप हैं रायपुर में, नंबर प्लेट इंस्टॉल होते हुए चॉइस नंबर नहीं मिल पाया हमें, इस सीरीज़ में लास्ट आ गया था, नहीं मिल पाया नंबर। सारे जा चुके हैं शोरूम से, वर्कर्स भी जाने लगे हैं, बहुत लेट कर चुके हैं हम डिलीवरी लेने में। ये पहुंच चुके हैं हम सीट कवर लगाने कार श्रृंगार में, देख सकते हैं यहाँ तो फोम का सीट कवर देख रहे हैं, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, लगता है मुझे यही लगाएंगे, देख लेते हैं, पर और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अपनी गाड़ी खुलनी स्टार्ट हो गई, मैट डलेगा, फ्लोर मैट, सीट कवर, बहुत लेट हो गया है। ये आ गई अपनी मैटिंग, ऑटो फोम के सीट कवर डाल रहे हैं। दुकान पे हम कार्ड श्रृंगार रायपुर जी टावर में, सीट खुलना स्टार्ट, पूरी खाली हो गई नई गाड़ी। ये देख रहे हैं आप, पिछला सीट खुलने लगा है, दुख तो बहुत होता है नई गाड़ी खुलने का, लेकिन क्या करें, कंपनी सीट कवर्स नहीं दे रही है भाई, इस मॉडल में पहले से देनी चाहिए उनको। पूरी गाड़ी खुल चुकी है, देख सकते हैं आप, मैटिंग लगनी है और लेमिनेशन और सीट कवर, बकेट फिट सीट कवर्स लग रहे हैं ऑटो फॉर्म के। ये रही अपनी गाड़ी, सभी वर्कर्स लगे हुए हैं काम करने में, आधे लगा रहे हैं सीट कवर्स, ये लगा रहे हैं, एक बंदे हैं जो वो लगा रहे हैं अपने लेमिनेशन, और कोई काट रहा है इसका मैट, और ये हमारे टीममेट्स। बहुत लेट हो चुका है सीट कवर लगाने में, देख सकते हैं सारे एक साथ लगे हुए हैं सभी सीट। यहाँ लग रहा है हमारा क्रोम डोर हैंडल कवर, जो कि है गैलियो कंपनी का, यही लगाना चाहिए आपको, अपने क्रेटा में लगा है, 2 से 3 साल हो चुके हैं, जैसे का तैसा है, कोई डल नहीं हुआ है, कोई जर लगने का टेंशन नहीं है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।